ऐसा करता हूँ आपसे जो बिल्कुल अच्छा ही है। तो आज की इस वीडियो में जो है मैं एक न्यू टॉपिक लाया हूँ, जैसे कि ये वाला मेरा टैंक है, इसमें जो है मैंने अपने पोलर पैरेट की ब्रीडिंग कराई थी। आपने मेरी, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपने मेरी सारी वीडियो देखी होगी जिसमें मैं पोलर पैरेट की ब्रीडिंग कराना सिखाता हूँ, उनके बेबीज की केयर कराना सिखाता हूँ, और मैंने जो है इनका अपडेट भी दिया था डे टू से लेके डे 11 डे तक का इनका अपडेट भी दिया था पूरा अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आप समझ ही गए। तो आज जो है हमारे पास जो है हमारे पोलर पैरेट के बेबी दिए हुए पूरे जो है 13 दिन हो चुके हैं, और 13 दिन हो चुके हैं बेबीज़ को। तो आज जो है हम अपने इन पोलर पैरेट के बेबीज़ को उठा के जो है इस वाले टैंक में जो है शिफ्ट करेंगे। इसमें जो है हम थोड़ी सैंड बिछा के और कुछ रियल प्लांट लगाएंगे, उन अमेजोन प्लांट लगा के इनमें जो है हम पोलर पैरेट के बेबी शिफ्ट करेंगे। इसको थोड़ा जो है प्लांट टैंक टाइप का बनाएंगे और इसमें जो हम पोलर पैरेट के बेबी को शिफ्ट करेंगे। तो चलिए, अगर आप वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको वीडियो से अच्छे समझ आए। और चलिए मैं बेबीज़ को निकालते हो और टैंक्स में इस वाले नए टैंक में जो शिफ्ट करते हैं। वैसे इस टैंक में भी हमारे पास पोलर पैरेट है, इन्हें हम जो है इस टैंक से हटा देंगे और इसमें जो है पोलर पैरेट के बेबीज डालेंगे। तो चलिए जो है अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, अभी जो हम इन पोलर पैरेट को उठा के जो है दूसरे टैंक में जो शिफ्ट करते हैं, इसमें जो हम अपने बेबीज डालेंगे पोलर पैरेट के बेबीज। तो चलिए पहले जो हम इन पोलर पैरेट को निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो इनकी क्वालिटी जो है काफी ज्यादा अच्छी है। एक इसमें हमारे पास ब्लू है और एक इसमें हमारे पास एल्विनो भी है। इन दोनों को हम जो है दूसरे टैंक में शिफ्ट करेंगे। हमने जो इन दोनों को पॉलीथीन में ले लिया है, अब जो हम इन्हें टैंक में शिफ्ट करेंगे। तो चलिए गाइस, अभी जो मैंने दूसरे टैंक में शिफ्ट करते हैं। तो गाइस जो है हम इसे इस टैंक में शिफ्ट करेंगे। इसके बगल वाले टैंक में हमारे पास थाई सिल्क फ्लावर होने, ये भी जो है फुल एक्टिव है, हम जो है इसको इसमें शिफ्ट करेंगे। इसे जो है हम 10 मिनट के लिए पन्नी को डिप कर देंगे एक्वेरियम में, क्योंकि जो है उस एक्वेरियम में पानी का टेम्परेचर अलग था और यहाँ का पानी का टेम्परेचर अलग है। तो इस मारे जो है हम इसे 10 मिनट के लिए पॉलीथीन को जो है एक्वेरियम में डिप रहने देंगे ताकि जो है पानी का टेम्परेचर जो है सेम हो जाए। जब तक हम वहाँ का अपना काम निपटाते, थोड़ा उसमें प्लांट लगाते और सैंड वगैरह डालते, जब तक चलिए गाइज, जब तक वहाँ सैंड डालते हम। तो गाइज, हमें इस एक्वेरियम को प्रॉपर तरीके से जो है प्लांट टैंक नहीं बनाना है, हमें जो इसे थोड़ा से काम चलाऊँ प्लांट टैंक बनाना है। इसमें जो हम इस सॉइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें जो हम नॉर्मल रिवर सेंट का इस्तेमाल करेंगे और बस अपने 3-4 प्लांटों का इस्तेमाल करेंगे, फिर ये जो हमारा थोड़ा काम चलाओ जो प्लांट टैंक जो है बन जाएगा। इसमें मैंने जो है हैंगिंग फिल्टर लगा रखा है और हीटर, पोलर पैरेट को हीटर जो है जरूर देना, क्योंकि अभी जो है मौसम अप डाउन जा रहे हैं। तो इस मारे जो है मैंने इसमें हीटर लगा रखा है 28 पे सेट करके। तो चलिए अभी जो है रिवर सेंट इसमें डालते हैं। तो गाइस, ये जो है रिवर सेंट में लिया है, तो अभी जो हम इसको थोड़ा बाल्टी में वॉश कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी जो है धूल मिट्टी होती है। तो अभी जो हम इसे बाल्टी में थोड़ा यूज़ करके, जब इसको बाल्टी में वॉश करके इसको जब एक्वेरियम में डालेंगे। तो चलिए गाइस, अभी जो हम इसको रिवर्स सैंड को जो है बाल्टी में डाल लेते हैं। ये जो है 1 फीट में मेरे हिसाब से हो जानी चाहिए, ये आपकी 2 किलो के करीब होगी। तो अभी जो हम इसे वॉश कर लेते हैं गाइस। आप देख सकते हो इसमें से जो है बहुत मिट्टी निकल रही है, धूल मिट्टी उड़ रही है। इसे जो हम अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे, क्योंकि अभी जो इसमें थोड़ी डस्ट है। तो चलिए गाइस, अभी जो हम इसे वॉश कर लेते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो रिवर सेंट जो हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अब जो हम इसे एक्वेरियम में डालेंगे, तो चलिए गाइस, हम जो इसे एक्वेरियम में डालते हैं।
तो गाइस एक्वेरियम हमने रिवर्स एंड ऐड कर दिए, आप देख सकते हो रिवर्स एंड जो एक्वेरियम में कितनी अच्छी लग रही है। पर अभी जो एक्वेरियम में थोड़ा जो है पानी का वाटर का लेवल थोड़ा कम है, जो इस मारे अभी जो है इसमें थोड़ा वाटर भी ऐड करते हैं। आप देख सकते हो रिवर्स एंड कितनी अच्छी लग रही है। तो गाइस इसमें जो हमने वाटर लेवल जो है थोड़ा बढ़ा दिया है, अब जो हम इसमें एंटी मेडिसिन यूज़ करेंगे, याली ये जो हमें यूज़ कर लेनी चाहिए जब हम वाटर चेंज करते हैं। वाटर चेंज करते समय हमें जो है एंटीच और एक एंटी क्लोरीन जो है यूज़ करनी होती है। अभी जो हमने इसमें थोड़ा वाटर का लेवल जो है थोड़ा बढ़ाया है, तो इस मारे जो हम अभी इसमें ये मेडिसिन यूज़ करेंगे एंटीच। तो चलिए गाइस अभी जो हम इसमें मेडिसिन डालते हैं, एक्वेरियम में जो सिर्फ 3-4 बूंदी डालनी है बस, मेडिसिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हो हमने जो मेडिसिन इसमें एक्वेरियम में डाल दी है। अब जो हम इसका फिल्टर चालू करेंगे, अब जो हम इसका फिल्टर चालू करेंगे, फिल्टर और इसका हीटर। तो गाइज हमने जो है फिल्टर और हीटर जो है चालू कर दिया है, आप देख सकते हो हीटर भी आपका चालू हो चुका है और फिल्टर भी हमने जो है चालू कर दिया है। अब जो हम इसमें जो है प्लांट लगाएंगे, लाइव प्लांट, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज एक्वेरियम में लगाने के लिए मैं प्लांट्स ले आया हूँ, 4 लीव्स लाए हूँ इनकी, और इनको जो है इनका जो नाम है प्लांट का वो है आपका अमेजोन लीव है, ये जो आपके लाइव प्लांट है। अभी जो है मैंने एक्वेरियम में लगाता हूँ, तो चलिए गाइज मैं आपको एक्वेरियम में लगा के दिखाता हूँ। तो चलिए गाइज अभी जो है प्लांट लगाते हैं एक्वेरियम में। एक प्लांट जो है यहाँ पीछे कॉर्नर लगा देंगे, कॉर्नर की साइड। पहला प्लांट जो है मैंने लगा दिया है। एक प्लांट में फ्रंट की साइड लगा दूंगा कॉर्नर में, इसको जो है थोड़ा पत्थर से कवर कर देंगे ताकि ये जो है मूवमेंट ना करे। का जो ये बड़ा वाला प्लांट बच्चा, अब हम जो इसे लगाएंगे पीछे की साइड। तो गाइस एक्वेरियम में जो हमने प्लांट लगा दिए और आप देख सकते हो एक्वेरियम जो है थोड़ा, तो गाइस अभी जो हमने एक्वेरियम में प्लांट लगा दिए और आप देख सकते हो एक्वेरियम जो है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, और अब जो हमारा बन चुका है काम चलाऊँ प्लांट एंड टैंक। तो गाइज अभी जो है हम जो है पोलर पैरेट के बेबीज़ को एकदम शिफ्ट नहीं करेंगे, इसमें हम जो है इसमें जो है पूरे एक दिन का टाइम लेंगे। अभी जो हम इसमें थोड़ा पानी यानी सेट होने के लिए छोड़ देंगे, हम जो है इनको पोलर पैरेट के बेबीज़ को जो है नेक्स्ट डे शिफ्ट करेंगे। तो चलिए गाइज जब तक के लिए बाय बाय टाटा। तो गाइस एक्वेरियम में हमें पानी भरे हुए पूरा एक दिन हो चुका है, आप देख सकते हो पानी जो है बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब जो है हम इसमें से पोलर पैरेट के बेबीज निकाल के जो है इस एक्वेरियम में शिफ्ट करेंगे। तो चलिए गाइस, वैसे पानी का टेम्परेचर दोनों का सेम है क्योंकि मैंने दोनों में जो है हीटर ला रखा है 28 पे करके, तो पानी का टेम्परेचर दोनों का सेम है, तो हमें जो है डिप करके नहीं डालनी पड़ेगी। तो हम जो है डायरेक्टली ऐसे उठा के बेबीज़ को डायरेक्टली इसमें शिफ्ट कर देंगे, इसका दोनों का पानी का टेम्परेचर क्योंकि सेम है। तो चलिए गाइस अब जो है पोलर पैरेट के बेबीज निकालते हैं और इस टैंक में जो है शिफ्ट करते हैं दूसरे नए न्यू टैंक में। तो गाइस अब जो हम इस नेट ले लेंगे बस बेबीज को निकालने के लिए। चलिए गाइस अभी जो है बेबीज निकालते हैं हम। गाइस जो है धीरे कम बेबीज निकालेंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि ये थोड़े छोटे हैं, इन्हों में दिक्कत आ सकती है हमारे। एक बेबी जो इसमें दो बेबी आ चुके हैं इसमें, आप देख सकते हो। आ
इसमें ये देखो आप गाइज, इसमें जो ये दो बेबीज है। तो चलिए गाइज अभी जो हम इन्हें शिफ्ट करते हैं। तो गाइज जो अब हम इसमें जो है बेबी शिफ्ट करेंगे, ये देख सकते हो आप दोनों बेबीज जो हमने छोड़ दिए एक रूम में। तो गाइज एक रूम में बेबी शिफ्ट करते समय हमें बहुत दिक्कत हो रही है, तो हम जो है ना धीरे धीरे स्लो करेंगे। तो चलिए गाइज अब जब मिलते हैं जब हम एक रूम में बेबी पूरी तरीके से शिफ्ट कर देते हैं। तो गाइज मैंने एक रूम में से बेबी जो है इस एक रूम में शिफ्ट कर दिया है। आप देख सकते हो मेरे को जो है बेबी को शिफ्ट करने में बिल्कुल पूरा आधा घंटा लगा है, 30 मिनट का जो है मेरे को टाइम लगा है। बिल्कुल बहुत ही धीरे धीरे जो है काम करना पड़ा क्योंकि बेबी जो है बहुत छोटे थे इस हमारे। आप देख सकते हो बेबी जो है घूम रहे हैं ग्रुप में, ग्रुप बना के। बेबी जो है ग्रुप में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं।